So, दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 2022 स्टार्ट हो चुका है। 2022 के पहले दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8K। दोस्तों अगर आप नए साल के मौके पर आप एक बेस्ट बजट मोबाइल फोन बाई करना चाहते हो और आप लोगों का बजट है 8000 रुपये, लेकिन 8000 रुपये के बजट में आपको एक ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाए, बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिले, तो आज मैं आपके लिए टोटल 5 ऐसे मोबाइल फोन सेलेक्ट करके लाया हूँ जिनकी कीमत आप लोगों को 8000 या 8000 से कम मिलेगी। लेकिन यहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का हाई कैमरा मिल जाएगा, 6000 mAh तक की बड़ी बैटरी, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का भी ऑप्शन यहां पर आपको दिया जाएगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर राठी और आप देख रहे हैं फालतू टैग। दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं ओनली 100 लाइक्स का। आई होप कि गाइस आप लोग 100 लाइक्स को काफी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। तो गाइज बात करते हैं नंबर 5 पोजीशन की। तो गाइज आज किस लिस्ट में नंबर 5th पोजीशन पर आता है रियलमी C20। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से, तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की बॉडी दी गई है, और अगर हम फ्रंट साइज की बात करें तो 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो HD+ के रेजोल्यूशन के साथ और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है, यानी कि बजट के हिसाब से यहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है। साथ में यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलेगा वो MediaTek Helio G35 का देखने को मिल जाएगा, तो जो प्रोसेसर वो काफी अच्छा है, 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज का बेस वेरिएंट में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको SD कार्ड के एक डेडिकेटेड स्लॉट भी ऑफर किया गया है, और रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर आप लोग 108 पिक्सल में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। तो 8000 की कीमत में आप लोग रियलमी C20 को चेकआउट कर सकते हो। इट्स माई अकॉर्डिंग ये मोबाइल फोन भी आपके लिए रियलमी की तरफ से आने वाला बेस्ट बजट मोबाइल फोन साबित होने वाला है। गाइस बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन की। ये मोबाइल फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से जिसका नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। दोस्तों इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को आप लोग 7500 की कीमत में बाई कर सकते हो। डिजाइन की बात करें तो अगेन यहां पर भी आपको पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी, लेकिन फ्रंट साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मैसिव डिस्प्ले मिलती है, यानी कि 6.82 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आती है, जहां पर आपको 400 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, नॉर्मली 60Hz का रिफ्रेश रेट पर दिया गया है, और वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, यानी कि दोस्तों अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो या ऑनलाइन स्टडी करते हो तो जो मोबाइल फोन की डिस्प्ले होगी तो काफी बड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में यहां पर लगाया गया है Helio G25 का प्रोसेसर, जो एक ठीक ठाक प्रोसेसर, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि यहाँ से आप लोग हाई गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हो, लेकिन डेली टास्क आप यहाँ से काफी आसानी से कर सकते हैं जो 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस है। और यहाँ पर आपको 2GB RAM + 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा, SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, और साथ में यहाँ पर आपको डुअल कैमरे का सेटअप रियर साइड पर ऑफर किया गया है, 13MP + AI लेंस और 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। दोस्तों बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जो 8000 से कम में भी आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देते हैं। दोस्तों अच्छी बात यह है कि रियर और फ्रंट दोनों तरफ आपको LED फ्लैश देखने को मिल जाएगी, 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जो 10W की चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है। तो देखा जाए तो जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 है ये भी 7500 की कीमत के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी है। तो गाइस बात कर लेते हैं नंबर 3rd पोजीशन पर आने वाले एक बेस्ट बजट मोबाइल फोन की, जो आता है पोको की तरफ से, जो एक लेटेस्ट लॉन्च मोबाइल फोन है जिसका नाम है पोको C31। दोस्तों पोको C31 को आप लोग 8500 की कीमत में बाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है मेरे हिसाब से काफी अच्छी मिलती है, 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो HD+ के रेजोल्यूशन के साथ और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है, नॉर्मली यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिलते हैं, तो इस मोबाइल फोन से आप लोग गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हो। साथ में यहां पर आपको बेस वेरिएंट के अंदर दोस्तों 3GB RAM + 32GB इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, हालांकि 9500 रुपए में आपको 4GB RAM + 64GB इंटरनल स्टोरेज में मिलता है, लेकिन उस वेरिएंट में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों कैमरे की बात करें तो 13MP का प्राइमरी कैमरा है, रियर साइड पर 2MP का डेप्थ सेंसर है, और 2MP का ही मैक्रो सेंसर यहां पर लगाया गया है, 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, यानी कि दोस्तों रियर और फ्रंट कैमरे से आप लोग 108 पिक्सल में 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग
कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो नॉर्मली 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली है। SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर लगाया गया है। एंड्रॉइड 10 के साथ यहाँ आप लोगों को पोको लॉन्चर के साथ MIUI देखने को मिल जाएगा। तो पोको C31 को देखा जाए तो 8500 की कीमत में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। बात करते हैं नंबर 2 पोजीशन की, यह आता है रियलमी की तरफ से जो कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया गया था, रियलमी नार्जो 50i। दोस्तों रियलमी नार्जो 50i को आप लोग 7500 की कीमत में बाई कर सकते हो। 6.5 इंच की डिस्प्ले यहाँ पर दी जाती है और HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है। नॉर्मली यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लेकिन दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज टच सैंपल रेट देखने को मिल जाएगा। यूनिसो 986 तरीके का प्रोसेसर मिल जाता है जिसका अंतुति स्कोर लगभग 80000 के आसपास आते हैं। SD कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जिससे आप लोग मैक्सिमम 108 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ में 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 10 वाट की चार्जिंग आती है। एंड्रॉइड 11 के साथ यहाँ पर आपको रियलमी UI मिल जाएगी, लेकिन फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो रियलमी नार्जो 50i 7500 की कीमत में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। डिजाइन काफी अच्छा मिल जाता है और स्पेसिफिकेशन भी अच्छी दी गई है। तो फाइनली गाइज अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 पोजीशन की। हालांकि गाइस 8000 रुपए से ज्यादा रुपए यहां पर आपको खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन काफी वर्थ है। गाइस ये मोबाइल फोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 8T। यहां पर आपको 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज का इकलौता वेरिएंट मिलता है जिसका प्राइस आपको 9000 रुपए मिलेंगे। लेकिन गाइस स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी मिलती है, ग्लोसी डिजाइन यहां पर आपको दिया गया है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है जो IPS LCD पैनल के साथ आती है और वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। और यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो Z35 का प्रोसेसर मिलता है जो 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस है और 1,00,000 के आसपास इसके अंतुति स्कोर आते हैं। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे का सेटअप रियर साइड पर दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यानी कि दोस्तों 9000 की कीमत में आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है और 50 मेगापिक्सल के कैमरे का सेटअप मिलता है। 108 पिक्सल में आप लोग यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाएगा। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। DTS साउंड आपको दी गई है। तो देखा जाए तो टेक्नो स्पार्क 8T एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, 9000 की कीमत में वर्थ इट है। तो आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों सभी मोबाइल फोन की जो बेस्ट बाइंग लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।